नामकरण में आज देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहीं आ जाती हैं नील की मॉम और वो हो जाती हैं गुस्सा। वैसे गुस्से में तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि नील रिया के बर्थडे में आए। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब नील की मॉम गुस्से में पी लेंगी जहर और नील काफी डरे हुए नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि नील की मॉम तो बच जाएंगी, लेकिन कहानी में और क्या ट्विस्ट आते हैं ये तो देखने लायक होगा। अभी जिस मॉम ने जहर पिया है, आई मीन दैट्स व्हाट आई थॉट कि मॉम ने रैट पॉइजन लिया है, एंड मैं उनकी तरफ भागता हूं एंड उन्हें संभालता हूं, एंड आगे के सीक्वेंसेस ऐसे होंगे, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी वेरी ड्रामेटिक। वो इस वजह से था कि पहले मेरे पास जो सबूत था उसकी चेन में बार बार चेक कर रहा था, हर एक सिचुएशन में कभी कहीं चेक कर रहा था। एक मोमेंट में मैं उसे आई जस्ट पिन डाउन, उसे वॉल के कैंस उसे पिन डाउन करता हूँ एंड आई जस्ट ट्राई टू चेन निकालने की कोशिश करता हूँ एंड वहाँ देखता हूँ कि यार उसने चेन ही दूसरी पहन रखी है। इट्स काइंड ऑफ पोपट फॉर मी हो जाता है एंड देन वो वहाँ पर नाराज़ हो जाती है एंड या नहीं फिलहाल नहीं मनाने वाला, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सॉरी टू हर एंड या वो मान नहीं रही, वो अपनी खफा है बिकॉज उनका अपना कुछ और गेम प्लान चल रहा है अपने दिमाग में। टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, आई एम श्योर आप लोग देख रहे हैं नामकरण स्टार प्लस पे, एंड प्लीज़ देखते रहिए आप लोग, प्लीज़ अपना लव एंड सपोर्ट देते रहिए एंड विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड कीप ऑन लविंग अस एंड शेयरिंग अस विद द गुड विशेस, थैंक यू। वैसे ये तो हुई सीरियल की बात, लेकिन आप भी हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब और हमारे वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।